हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाय, माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद्वेंटी 25 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यु आईएएस व्हिच हैज़ गिवन मोर देन 2200 टू सिंस 1999। दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी यूपीएससी के अंदर ना एक सब्जेक्ट है जिसको गवर्नेंस कहा जाता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लासेस के अंदर पूरी तरह कवर नहीं हो सकता इसकी करंट रेलिवेंस हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रहती है आज का हमारा टॉपिक भी गवर्नेंस रिलेटेड ही है क्योंकि क्लासेस के अंदर सारी की सारी स्कीम्स पढ़ाना गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स पढ़ाना ये पॉसिबल नहीं है राइट लेकिन जो जो टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स के अंदर हाईलाइट होते हैं और जो कि आपको लगता है कि यार ये स्ट्रेटिजिकली इकोनॉमिकली राइट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हैं राइट right? या पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हैं उनका हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वैसे ही एक रीजन है जहां पे कोई भी स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसके ऊपर सवाल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं और वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन राइट तो आज की जो हमारी स्कीम है जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ उसी चीज के अराउंड है राइट द स्कीम इज कॉल्ड द सेतु बंधन स्कीम अब आपको नाम से पता लग रहा होगा बच्चे की सेतु बंधन स्कीम सेतु माने एक लिंक है ना बंधन मतलब लिंक बांधना तो यहां पे जो सेतु बंधन की बात जैसे सेतु भारत में स्कीम थी राइट कुछ सिमिलर उस पर ही है ये ये क्या है देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस द अप्रूवल ऑफ सेतु बंधन स्कीम क्या है फॉर सेवन ब्रिज प्रोजेक्ट्स

वहां से पैसा इस कॉर्पस में आता है राइट और उसके बाद में ये यूज होता है और ये इसकी 2018 के अंदर अमेंडमेंट आई थी बच्चे जिसके बाद में इसको सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर दिया पहले सिर्फ रोड बनाने के लिए वो पैसा यूज हो सकता क्योंकि तो सेस का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है तो पहले सिर्फ रोड पे लगता था अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे भी है विच कुड बी एनी आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड है या फिर फॉर एग्जांपल आपका कोई एजुकेशन से कहीं पे स्कूल बनना है है ना कहीं पे टॉयलेट्स बनने हैं कुछ भी है तो वो हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे फंड किया जा सकता है 2018 में ये अमेंडमेंट आई थी और देखते हैं बच्चे स्कीम के बारे में इट इज एन इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यह इंपॉर्टेंट है बच्चे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उन सबका नहीं है ये वो दूसरी मिनिस्ट्रीज नहीं है और दूसरी बात ये जो फंड है ये इस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है तो बहुत केयरफुल रहना है ये जो सेतु बंधन स्कीम है बच्चे ये है जो सिर्फ इस मिनिस्ट्री के अंडर आपको देखने को मिलती है इसके अलावा जो हमारा जो फंड है पर्टिकुलर फंड है वो इस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं वो भी देखते हैं हम कि किसके अंडर आता है राइट इसका प्राइमरी एम इट्स टू एनहैंस इंटर स्टेट कनेक्टिविटी अब हो सकता है कि यूपीएससी आपको यहां पर भी खेलने थोड़ा सा इंटरस्टेट को इंट्रास्टेट कर दे राइट right? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है आपने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश है तो यहां पे थोड़ा सा घुमाया जा सकता है ये एक इंटरस्टेट कनेक्टिविटी स्कीम है राइट पर्टिकुलरली इन दी रूरल बॉर्डर बॉर्डर एरियाज दैट हैव बीन हिस्टोरिकली अंडर सर्वड बाई द स्टेट रोड्स ठीक है जी अंडर सर्वड एरियाज को करने के लिए है ये और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि स्ट्रेटेजिकली भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अरुणाचल के ऊपर चाइना क्लेम करता है तो अरुणाचल के अंदर डेवलपमेंट पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है राइट right? तो अरुणाचल से रिलेटेड कोई भी सेंट्रल स्कीम आएगी तो उसको हम ढंग से ऐसे ही कवर करेंगे द स्कीम एम्स टू रिप्लेस जो रेलवे की ऑलरेडी चल रही है रेलवे लाइन लेवल लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं और आपके रेल इन वेरियस स्टेट्स आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जो रोड ओवर ब्रिजेज हैं जिसको आर बोलते हैं इसमें ट्रेन जाती है ब्रिज के ऊपर से या ऊपर से गाड़ियां है जाती हैं ट्रेन नीचे है या ट्रेन ऊपर है राइट right? आप प्लीज मेरे को कॉमेंट में जरूर बताइए

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है इसका जो कॉर्पस है राइट इसकी जो जूरिस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है तो ये दो चीजें आपने खासकर इसके अंदर बच्चे ध्यान रखनी है एंड द फंड इज फाइनेंस थ्रू अ सेस किन के ऊपर लगता है जो कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल राइट उसके ऊपर जो आपके सेस लगता है उससे ये इसका कॉर्पस बनता है राइट बच्चे आगे चलते हैं अमेंडमेंट एक्ट आया इसका 2018 में और उसको रीनेम कर दिया गया है सेंट्रल रोड फंड को कर दिया है सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो यानी कि इसके बाद में इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी जो है वो इंक्लूड हो गए हैं विच इंक्लूड आपके वाटरवेज है ना और आपका सम फॉर्म ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इवन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये बच्चे इंपॉर्टेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज एटसेट्रा इसके अलावा अगर आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि सरचार्ज और सेस के बीच में क्या फर्क होता है तो आई हैव दिस फॉर यू यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jit tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC civil service examination 2024.